आम का मीठा अचार बनाएंगे। इसे कैरी का भगारिया भी बोलते हैं। टोटापुरी कैरी मैंने ली है, इसे बाटला कैरी भी बोलते हैं। और 350 ग्राम आम लिया है, इसे हम पहले पील कर लेंगे। इस तरह से हम पील कर लेंगे। बीच में से ऐसा दो भाग करेंगे और चॉपर के ऊपर रख के एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। इस तरह से आम को हमने चॉप कर लिया। 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के धूप में 3 से 4 घंटा रखेंगे। आम को मैंने 3 घंटा धूप में रखा था, अभी हम उसका बघार करेंगे। मस्टर्ड ऑयल को गरम करके ठंडा कर लिया है, यह हम पैन में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है, 4 स्टिक दालचीनी डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो कर लेंगे। खड़ा मसाला थोड़ा भून लेंगे। 1/4 टीस्पून राई डालेंगे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ये डाल देंगे। राई को क्रैकल होने देंगे। 2 सूखा लाल मिर्ची को हमने तोड़ के डाला है अंदर। राई क्रैकल हो गई है, हम ये आम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के हम लो आंच पे आम को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। आम सॉफ्ट हो गया है और पानी भी अंदर ड्राई हो गया है, सूख गया है। गैस हम ऑफ करते हैं। 500 ग्राम शुगर ली है, इसे हम अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। शुगर थोड़ा मेल्ट हो तब तक हम उसे अंदर चलाते रहेंगे। शुगर थोड़ी मेल्ट हो गई है, अभी हम गैस ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना है। आम कुक हो जाए उसके बाद ही शुगर डालना है अंदर, नहीं तो आम हार्ड हो जाएंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, ऊपर बबल्स आने लगे हैं और आम भी ऊपर आ गया है। अभी रेडी है अचार, हम गैस ऑफ करते हैं। बाउल में निकाल के 3 से 4 घंटा ठंडा करना है इसे। चार घंटा हमने अचार को रेस्ट दिया, अभी रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हींग है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे एयरटाइट जार में भर लेंगे।